हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। दोस्तों आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज गोबर गैस प्लांट बनाने वाले हैं, जो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं कम पैसे और कम खर्चों में। तो दोस्तों इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक बोतल की, एक इन्फ्यूजन सेट की और थोड़े से गोबर की, चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, किसी की भी हो, आप उसका इस्तेमाल करके गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बोतल के जो कैप है इसको पहले हम इसको होल करेंगे कि ताकि जो इन्फ्यूजन सेट है वो अच्छे से आधी बोतल जितना है उतना लगभग हमने इसमें गोबर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है इसको हम थोड़ा सा ढीला कर देंगे और इसमें पहले से हवा भरी है इसको हम दाब के इसको बाहर कर देंगे। तो दोस्तों हम जो इसमें पहले से हवा मौजूद थी उसे बाहर कर दिया है। अब इसको हम 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो मीथेन गैस है वो काफी मात्रा में इकट्ठी हो सके। तो दोस्तों हमने इसे पहले से 3 से 4 दिन पहले से हमने एक और बना के रखा हुआ है, ताकि ये आपको पहले बताया हमने कि ऐसे किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमने पहले से एक और बना के रखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं कि वो कैसे यूज होता है और कैसे वो चलता है। तो गाइज अब हमारा बनकर तैयार हो चुका है गोबर गैस प्लांट दोस्तों, लेकिन इसको हम 3 से 5 दिन तक रख देंगे ताकि इसमें काफी मात्रा में मीथेन गैस इकट्ठी हो सके, तब जाकर ये वर्क करेगा। तो दोस्तों हम 5 दिन पहले का एक और बनाकर रखे हुए हैं ताकि आपको बता सकें कि कैसे वर्क करता है। तो चलो इसे जलाकर देखते हैं कि ये वर्क करता है। गैस जितनी इकट्ठी थी वो इतनी जल रही है, इसमें जो काफी मात्रा में अगर गैस जितनी इकट्ठी होगी मीथेन गैस वो इतना ही तेज जलेगा। तो दोस्तों ये वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी ही गैस इकट्ठी थी उतना ही जल रहा है, धावने पर निकलने रहा है। तो गाइस अगर आपको वो वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।